आइए जानते हैं आज फिश एक्वेरियम के बारे में। वैसे तो मछलियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा बंगाली कल्चर में शुभ कार्य के अंदर मछली का को भेंट स्वरूप आदान प्रदान किया जाता है, और वो कई बार बहुत सारे जो सक्षम लोग हैं वो अपनी बहू को मछली में सोने की नथ पहनाकर उसे भेंट देते हैं। तो मछलियां हमेशा शुभता का प्रतीक मानी गई है। यहाँ हम जानेंगे कि फिश एक्वेरियम को हमें घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फिश एक्वेरियम को अगर आप घर रखते हैं, पहली चीज उसकी दिशा सही होनी चाहिए, दूसरी हमेशा उसको मेंटेन करके अगर आप रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं तो आप फिश एक्वेरियम रखिए, अदरवाइज मत रखिए। फिश एक्वेरियम की जो सबसे बेस्ट दिशा मानी गई है वो है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप फिश एक्वेरियम को रखते हैं और उसके अंदर एयर बबल को बढ़ा देते हैं तो आपको बहुत सारी समृद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जाते हैं, साथ ही साथ एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति आपको होना शुरू होती है। दूसरी दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ दिशा में फिश एक्वेरियम रखने से हमेशा हमें हमारे जो भी फंड है, जो भी हमारा प्रॉस्पेरिटी है, उसमें हमें सेविंग होना शुरू होती है, अर्थात हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसको सेव कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्थ दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है। ये दोनों जगहों में अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के सेंटर में, अर्थात ईस्ट में रखने से भी आपकी लाइफ में काफी अच्छी सक्सेस आती है। फिश एक्वेरियम में हमेशा हमें 9 मछलियां रखने की कोशिश करनी चाहिए, 8 गोल्डन फिश और 1 ब्लैक फिश। 8 गोल्डन फिश अगर आप उनसे बात करेंगे, डेली उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो फिश होती है वो आपकी इमोशन से जुड़ जाती हैं और आपके घर को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जानवर जीव जंतु हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, तो 5 मिनट के लिए जरूर आप हमेशा अपने फिश एक्वेरियम के सामने बैठिए और उनसे बातें करिए। और अगर आप बहुत टेंशन में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टेंशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप फिश एक्वेरियम के पास बैठकर शांति से उसे देखते रहिए। थोड़ी देर में ही आपको महसूस होगा कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है और आपको कहीं ना कहीं उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिश हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी है। फिश एक्वेरियम को हमेशा साफ सुथरा रखें, समय समय पर उसके पानी को बदलते रहें और ध्यान रहे कि कभी भी उसका ऑक्सीजन लेवल बंद ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल से जो बबल निकलती हैं वो हमें प्रॉस्पेरिटी देती हैं, और जितनी ज्यादा बबल उसके अंदर रहेगी उतनी ज्यादा ही प्रॉस्पेरिटी हमारी ओर आएगी। तो हमेशा याद रखिए, साफ सुथरा रखिए, समय समय पर उन्हें खाना दीजिए, खाना आटे की गोलियां छोटी छोटी बना के या फिर जो भी बाजार में उनका भोजन उपलब्ध हो उसे लाकर आप उन्हें समय समय पर उन्हें देते रहिए, और हमेशा ध्यान रहिए कि कोई भी फिश मरने ना पाए, क्योंकि कहते हैं जो भी जीव जंतु हमारे घर में रहते हैं वो हमारी बलाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर कोई भी मछली उसमें मर जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं कोई भी तकलीफ आपके घर में आ सकती है, वो उस चीज का इंडिकेट करती है, तो हमेशा तुरंत उस मछली को बदल डालिए, पानी को साफ कर लीजिए और सही दिशा में रखा हुआ फिश एक्वेरियम हमेशा लाभदायक है। कभी भी गलती से उसे साउथ ईस्ट में ना रखें। साउथ ईस्ट सक्सेस का कारक है और अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में जब हम पानी को रख देते हैं तो वो हमारी सक्सेस को बुझा देती है। आग को बुझाने वाला काम जो है पानी करता है, फिश एक्वेरियम पानी से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए कभी भी साउथ ईस्ट में ना रखें, साउथ वेस्ट में ना रखें, साउथ में ना रखें। कोशिश करें कि जो दिशाएं आपको बताई गई हैं उन दिशाओं में ही फिश एक्वेरियम को रखने की कोशिश करें। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और हो सके तो इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।